हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी रागी की रोटी बनाना कैसे इजी तरीके से हम बना सकते हैं बिना आटा मिक्स किए हुए। तो गाइस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना कोई वीडियो स्किप किए हुए, तभी आपको पता चलेगा कि ये रोटी मैंने कैसे बनाई है झटपट तरीके से। मेरे पास यहाँ पे एक कटोरी जितना रागी का आटा है। हमें रागी का आटा गूंदने के लिए जितना पानी चाहिए आप जिस हिसाब से माप करके लेंगे, उस पानी को मैंने यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया है। इसमें जब ये अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हम इसको वेट करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसी उबलते हुए पानी में ये आटा पूरा हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चला लेंगे, चला के इसे ढक कर 5 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये पानी ठंडा हो जाए। इसे 6 मिनट हो गए हैं। अब ये आटा देखिए, मैंने इसको मिक्स करके रखा था, ये पूरा का पूरा आटा हम प्लेट में निकाल के हाथ से अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से गूंद लेंगे। अगर आप इस तरीके से रागी का आटा बनाते हैं तो आपको कभी भी आटे में, रागी के आटे में नॉर्मल व्हीट का आटा मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रोटी बिल्कुल वैसे ही चपाती जितनी नरम और फुली हुई बनेगी, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें आटा नहीं मिलाया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा नॉर्मल व्हीट फ्लावर छिड़क लेंगे, छिड़क के पेड़े को बेल लेंगे। देखिए रोटी बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटेगी, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप रागी का रोटी बना रहे हैं। देखिए एकदम प्लेन रोटी बनी है, कहीं से कोई फटा और कहीं से कोई क्रैक नहीं है रोटी में। ये एकदम प्लेन बनी है, कहीं से कोई क्रैक नहीं है। अब हम इसे तवे में नॉर्मल रोटी जैसे सेक लेंगे। एक तरफ से सिक गई है, अब हम दूसरी तरफ से रोटी को सेक लेंगे। रोटी एकदम नरम सॉफ्ट बनी है, देखिए एकदम सॉफ्ट रोटी रेडी है, गर्मा गर्म रागी की रोटी। और आपने देखा ही होगा कि मैंने कहीं भी आटा का यूज नहीं किया है और ये रोटियां बिल्कुल भी इतनी ही सॉफ्ट है जैसे कि आपकी व्हीट की रोटी बनती है। तो इस सीजन में इसे जरूर खाइए और सबको खिलाइए। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक ऐसी ही नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।